हाय गाइस, वेलकम टू कुक्स विद श्वेता। आज की रेसिपी है ओरियो के, जो बच्चों को बहुत ही पसंद आती है। तो चलिए केक के इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। ये 4 पैकेट ओरियो है, ये 1 कप दूध है, ये 3 चम्मच तेल है, ये 1/4 चीनी है, 1 पैकेट इनो है, वनीला एसेंस है और हर्शीस है, ये फ्रेश क्रीम है और डेकोरेशन के लिए टूटी फूटी है। वैसे ही हम सारे बिस्किट में से क्रीम निकाल के रख लेंगे साइड में। अलग कर दिया है और बिस्किट को अलग कर दिया है। अब बिस्किट को ग्राइंड कर देंगे। अभी फाइनली ग्राइंड हो गया है। अब इसमें दूध डाल के हम एक बार और ग्राइंड करेंगे। अब ये फाइन बैटर बन गया है। अब इसमें हम 1/4 कप चीनी मिला रहे हैं। अब इसमें हम 1 टीस्पून वनीला एसेंस मिला रहे हैं। अब इसमें हम 1 पैकेट इनो मिला रहे हैं। कि ये फ्लफी हो जाए। अब आप देख सकते हैं कि ये फ्लफी हो गया है। अब इस हम बैटर को मोल्ड में डालेंगे। मैंने इसे ग्रीस कर दिया है ऑयल से। पैन में नमक डाल दिए हैं। अब इसमें हम 10 डाल देंगे और 10 मिनट के लिए प्री हीट कर देंगे।
फाइव स्टार पे हम मोल्ड को रख देते हैं और इसे मीडियम फ्लेम पे 30 से 35 मिनट के लिए सेट कर देते हैं। तो हम इसे चेक कर लेते हैं, देखिए कुक हुआ है कि नहीं। ये बहुत ही अच्छे तरीके से कुक हो गया है। अब ये फुल हो चुका है, अब इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। कितना स्पंजी केक हुआ है। अब ये चेरी क्रीम मैं बीट करूंगी जब तक फ्लफी ना हो जाए। अभी अच्छी तरह से बीट हो चुका है, ये सारा क्रीम निकाल दिया है। अब इसे इक्वली स्प्रेड करना है। इसे मैंने पूरी तरह से कवर कर दिया है क्रीम से। अब हम इसे ब्लैक चॉकलेट सिरप से डेकोरेट करेंगे। अब हम इसे फ्रिज में रख करके सेट कर देंगे। अगर मेरी रेसिपी आपको ईजी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब